हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट में एक नया रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोअर डिवीजन असिस्टेंट LDA के लिए यहाँ पर जो है 54 वैकेंसी, और यहाँ पर ग्रुप डी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 64 वैकेंसी यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया। दोस्तों, आप लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं 8 मई 2023 से लेकर 23rd मई 2023 तक आप लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को hcmimpal.nic.in पे जाके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। तो अब बात करते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन और अदर्स डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर LDA पोस्ट के लिए यहाँ पर आप लोग को क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास होना होगा, उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग आप लोग को आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर एज 18 साल से लेकर 43 ईयर के बीच में हम लोग का यहाँ पर जो एज होना होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है कि आप लोग को यहाँ पर जो है 38 ईयर रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए आप लोग का एज। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस भी आप लोग को देना होगा 600 रुपये के यूअर कैंडिडेट के लिए और 300 रुपये का आप लोग को OBC SC ST कैंडिडेट के लिए आप लोग को यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप डी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो ग्रुप डी में 3 पोस्ट रखा गया है। सबसे पहले पीओन पोस्ट के लिए 38 वैकेंसी, उसके बाद चौकीदार के लिए यहाँ पर जो 21 वैकेंसी, और स्वीपर पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी जारी किया गया, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को 10 पास होना होगा। तो उसके बाद एज की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग का एज जो है 38 ईयर रखा गया है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को एक एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा 300 रुपये का, जिसके लिए यहाँ पर 150 रुपये का बोला जा रहा है OBC SC ST कैंडिडेट के लिए। तो इन सभी को अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया वहाँ पर चले जाना होगा, वहाँ से आप लोग को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा दोस्तों। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।